अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नमाज पढ़ते वक्त अगर बच्चे सामने आ जाएं और मुसल्ले पर बैठ जाएं, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, उस सूरत में नमाज होगी या नहीं होगी। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि औरतें घरों पे जब नमाज के लिए मुसल्ला बिछाती हैं और नमाज पढ़ती हैं, तो जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बाज़ दफ़ा घरों के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ये आदत भी होती है, वो कूद करके मुसल्ले पर आ जाते हैं। नमाज पढ़ने वाले के कभी कभी वो ऊपर बैठ भी जाते हैं, कभी मुसल्ले पर बैठते हैं उस जगह पर जहां पर सजदा किया जाता है, तो उस सूरत में क्या करना पड़ेगा, उसी के बारे में हम जान लेते हैं कि उस सूरत में आपने देखा होगा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, जब आप जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबासियों को बाज़ दफ़ा गोद में लेकर भी नमाज पढ़ते थे। हज़रत इमाम हुसैन कभी कभी तशरीफ लाते थे और हुजूर सजदे में होते थे, तो उस वक्त आपकी गर्दन पर, आपकी पीठ पर वो सवार हो जाया करते थे। तो उस सूरत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को लंबा कर दिया करते थे, कभी कभी इतना लंबा हो जाता था सहाबा अर्ज करते, या रसूलल्लाह क्या वही नाजिल हो रही थी। तो हमें वहां से भी पता चलता है कि बच्चों की ये आदत होती है कि वो नमाज के दौरान जब माँ या हमारी बहनें घरों में मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ती हैं, तो वो अगर आके बैठ जाते हैं तो उनके बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं घर के अंदर मुसल्ले पे और बच्चा आ गया, तो उसे साइड कर दें धीरे से और जो है नमाज को मुकम्मल कर लें, उससे आपकी नमाज भी हो जाएगी और नमाज जो है टूटेगी भी नहीं। इसी तरीके से अगर आप अभी कयाम में हैं, किरत कर रहे हैं और आपके सामने बच्चा आ गया, तो थोड़ा आप लंबा भी पढ़ सकते हैं कुरान को, ताकि वो बच्चा जो है उस जगह से हट जाए, या आप अगर सजदे की जगह पर वो बैठा है और सजदा करने के लिए आप जा रहे हैं, तो उस सूरत में जो है आप उसको धीरे से साइड भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियरली समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।